एक मछुआरा था जो प्रतिदिन मछली पकड़ता, फिर बाजार में जाकर उन मछलियों को बेचता था और इसी प्रतिदिन की कमाई से उसका परिवार पल रहा था। एक दिन वह सोचता है कि प्रतिदिन की तुलना में आज वह दूर तक मछली पकड़ने जाएगा, जिससे कि ढेर सारी मछली पकड़ सके, और आश्चर्यजनक रूप से वह ढेर सारी मछलियां पकड़ भी लेता है। वो मछुआरा इतनी मछलियां पकड़ लेता है कि उसकी डोंगी छोटी पड़ जाती है, इसलिए वह कुछ मछलियों को अपने छोटे जाल में रखकर डोंगी से बांधता है और पानी में छोड़ देता है, जिससे कि डोंगी के साथ साथ वह भी जा सके। मछुआरा बहुत खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देता है, लेकिन जब वह नदी के किनारे पर आता है तो उसकी खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि जो मछलियों का जाल वह अपनी डोंगी से बांधकर लाया था उसमें से आधी से ज्यादा मछलियां खाई जा चुकी थीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नदी के दूसरे जीवों ने उन मछलियों को खा दिया था। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जिन बातों के लिए हम सोचते हैं कि यह हमें संतुष्ट करेंगी और शांति देंगी, जैसे कि धन संपत्ति, अच्छी नौकरी, ऊंचा पद इत्यादि, लेकिन जब हम इन बातों और उपलब्धियों से संतुष्टि और शांति को प्राप्त नहीं करते हैं, तब हम दुखी और निराश हो जाते हैं। इसका कारण है हमारे प्राण और आत्मा की असंतुष्टि और अशांति। इसलिए आवश्यक है आज हम अपने प्राण और आत्मा की संतुष्टि और शांति के लिए प्रयासरत रहें। बाइबल में यीशु मत्ती नामक पुस्तक के 16 अध्याय के 26 पद में कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो क्या आज हम सब पहले अपने प्राण और आत्मा के लिए सोचेंगे?